न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री का ये बयान तो आपने सुनी लिया होगा। आपको बता दें कि इस बयान के बाद विपक्ष इस पर राजनीति करने लगा। विपक्ष खुलकर इस पर धड़ाधड़ ट्वीट करने लगा। सबसे पहला ट्वीट पी चिदंबरम का आया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पूछा, अगर प्रधानमंत्री की यह बात सच है कि भारतीय सीमा में चीन का कोई सैनिक नहीं आया, तो फिर 20 जवान शहीद क्यों हो गए? दोनों देशों के बीच बातचीत किस लिए हो रही? और उसके बाद राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आता है और राहुल गांधी लिखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री चीन के अटैक के सामने सरेंडर कर चुका है। आपको बता दें, फिर चालू होता है इस पे राजनीति का नया फंडा। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष इस चक्कर में था कि देश के प्रधानमंत्री को हम किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करें, मगर उसकी ये मंशा धरी की धरी रह गई। कांग्रेस के इन दो ट्वीट के बाद कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पीएमओ के सपोर्ट में आ गए। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के समर्थन में अपना बयान जारी कर कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले पर कोई भी राजनीति ना की जाए। इन मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनाड संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगाम शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के समर्थन पर इन 4 मुख्यमंत्रियों ने धड़ाधड़ अपनी बात कही। जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट कर कहा, कल की सर्वदलीय बैठक में सोच समझकर विवाद पैदा किया गया है, इसमें मैं काफी दुखी हूँ। यह वक्त अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने की है, न कि गलतियां ढूंढना और उन पर उंगली उठाने की है। माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रियों के सर्वदलीय बैठक में बहुत संतोषजनक जवाब दिया, राष्ट्र इस विषय पर एकजुट है और रहना भी चाहिए। एकता में ताकत होती है, जबकि फूट पे हम कमजोर होते हैं। चंद्रशेखर राव ने बाकायदे ट्वीट करके समर्थन किया और उसमें लिखा, वक्त राजनीति नहीं रणनीति का है। आगे मुख्यमंत्रियों के हवाले से भी लिखा गया कि राजनीति में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह वक्त राजनीति की डोर में बंधने का है। प्रधानमंत्री ने जब सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने हमारी तरफ से अपना नजरिया रखा और आश्वस्त किया कि भारत के हित में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। प्रेम सिंह तंगमा, जब उनका ट्वीट आया तो वाकई जबरदस्त था। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगाम ने ट्वीट किया, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन से चीन पर भारत का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। पीएम ने आश्वस्त किया है कि सरकार भारत के हितों में समझौता नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अपने सुरक्षा बलों पर भरपूर विश्वास है कि वो हर नापाक हरकत को नाकाम करेगी। आपको बता दें, इन ट्वीट्स के बाद काफी हैरान हो गई कांग्रेस। और हम आपको बता दें कि इस मामले को काफी तेजी से कांग्रेस के नेता उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता अब अगल बगल झांकते नजर आ रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। देश इस समय चीन के खिलाफ आक्रोश में है और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के प्रधानमंत्री और अपनी देश की सेना के साथ खड़े हों। अगर आपको हमारी बात सही लग रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।